जब उस बलशाली व्यक्ति ने सीलका को ललकार कर कहा कि तुम अपने सारे वस्त्र और शस्त्र मुझे दे दो, तो भयभीत सीलका ने अपने शरीर के सारे वस्त्र उसे सौंप दिए। अब तो सीलका बस नगन अवस्था में छिपते छिपाते घर गया। जाकर अपनी माता को दरवाजे पर पुकार कर कहता है कि माँ, मुझे तन ढकने के लिए कपड़े दे दो। तो सीलका की माँ अंदर से सीलका के वही वस्त्र लेकर आई जो वह पहने रहता था और कहा कि तुमने अपने वस्त्र अंदर स्वयं ही तो रखे थे, मैंने तुम्हें रखते हुए देखा भी था, ये ले अपने वस्त्र। तो अब तो सारे कपड़े लेकर सीलका आश्चर्यचकित हुआ कि ये तो वे ही कपड़े हैं जो कि उस बलिष्ठ व्यक्ति ने मेरे से उतरवाए थे। तो वह समझ गया कि यह सब माया श्री बाबा मस्तनाथ की ही है। अब तो सीलका समझ गया कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ निसंदेह एक त्रिकालदर्शी योगी हैं। और एक दिन उसके मन में यह इच्छा पैदा हुई कि मैं ये देखूं कि योगी राज रात को समाधि लगाए रहते हैं या सोते हैं या जागते हैं या क्या करते हैं। तो इस विचार से एक दिन छिपने के समय सीलका बाबा से घर जाने की अनुमति लेकर चल दिया, लेकिन चुपचाप एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया जहां से कि बाबा जी का धुना दिखाई देता था और सोचा कि अब यहां से मैं बाबा की रात्रि चर्या देखूंगा। तो प्रेमियों, रात के समय सीलका पेड़ पर से बाबा के धुने पर निगाह गड़ाए क्या देखता है, ये सारा रागनी में पेश है। मन में पाप सीलका के, मन में पाप सीलका के, फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना जाया। मन में ख्याल सीलका के, फिर ख्याल एक दिन आया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना जाया। बाबा के ढूंढे के धोरे एक था पेड़ पुराना, उस पे चढ़ के बैठ गया जब दिल ना उसका माना, रात की भक्ति देखने ने अब दिल है बड़ा दीवाना, दिन छिप गया हुआ घोर अंधेरा, ना पीना ना खाना, देखने की भी घनी लालसा, देखने की भी घनी लालसा, मस्तनाथ की माया, कैसे रात कटे बाबा की, कैसे रात कटे बाबा की, हाल देखना चाया। छिड़काव हुआ जल का तन तंबू और कनात रे, धरती मेरी दरी बिछा जुड़ी,
सिद्धों की पंचायत रे ऊंचे एक तखत के ऊपर ऊंचे एक तखत के ऊपर आसन तू रात बिछा प्रकार से सिल्का ने ये देखा कि वहां कोई आदमी आकर के पहले तो छिड़काव करके गया और सारी सफाई आदि करने के बाद में बहुत से तंबू और कनास बन गए और बहुत से सिद्ध ऋषि मुनि आकर के बैठ गए और उन सब के बीच में एक ऊंचा सा तख्त बिछा दिया गया जिस पर बाबा मस्तनाथ स्वयं बैठ गए और इस प्रकार से उन सिद्धों की आपस में एक पंचायत जुड़ी हुई है। ये सील का अपनी आंखों से साक्षात देख रहा है किस तरह से हुया उजाला फिर एकदम मिट गया सब अंधियारा सभी देवता बैठे संतों का लग रहा लारा सिद्ध 84 सारे आगे बोल रहे जकारा उनके बीच बैठ गए बाबा आसन ऊंचा न्यारा फिर धूने पे निहा गई तो उड़े भी तो बाबा ही पा हुई सभा भंगवो सारा खेल बिछड़ेगा मन ही मन गया कांप सिलका बहकाया मैं बढ़ गया बाबा देखे धूने पे फिर श्रद्धा भाव मरेगा रामपाल फिर डरता डरता पेड़ ते तले उतर गया करमपाल ने हाथ जोड़ के करमपाल ने हाथ जोड़ के सिद्ध को शीश झुकाया कैसे रात कटे बाबा की कैसे रात कटे बाबा की हाल देखना चाया मन में पाप सिलका के फिर काले के दिन आया कैसे रात कटे बाबा की